गूगल एडसेंस में पेमेंट मेथड कैसे ऐड करें। जैसे कि आपको पता है, अगर पता भी नहीं है तो ये बात को ध्यान में रख लीजिए, $10 जब फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है एडसेंस के अंदर, सबसे पहले तो आपको एड्रेस वेरीफाई आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ता है, नेक्स्ट आपका ये जो पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है। तो गाइज अभी देख सकते हो हमारा ये जो एडसेंस अकाउंट है यहाँ पे हमारा $104 हो गया है, मतलब $100 क्रॉस कर गया है, जिस कारण से यहाँ पे हमारा पेमेंट होल्ड हो गया है। ठीक है ना, पेमेंट मतलब लेने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। ये कैसे पेमेंट मेथड सारे ऐड करेंगे इसके ऊपर मैं कम्प्लीटली आज वीडियो में बता दूंगा, आप वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखना होगा, अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको आप शायद प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमेशा की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। गाइज जब आप एडसेंस के अंदर आइडेंटिटी वेरीफाई करते हो, एड्रेस वेरीफाई करते हो, तो हमेशा आप कोशिश करिए कि पैन कार्ड को यूज करने के लिए, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड को यूज करने के लिए। आप गलती से भी आधार कार्ड को यूज मत करें, क्योंकि ना आपका आधार कार्ड अगर अपलोड करोगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, आधार कार्ड को पहले ले रहे थे लेकिन अभी वेरीफाई के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पैन कार्ड बना लीजिए। पैन कार्ड अभी फ्री में बन जाता है, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे फ्री में बनाते हैं पैन कार्ड, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर बता रखा हूँ, आप ऊपर आई बटन पे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर लिंक दे दिया हूं, देख लीजिए फ्री में कैसे पैन कार्ड बनता है। ठीक है ना, किसी के नाम पे आप बना सकते हो। और गाइज $100 कंप्लीट होने के बाद एडसेंस के अंदर अगर आप पेमेंट मेथड ऐड नहीं करे होंगे तो यहाँ पे आपका वार्निंग आ जाएगा, योर पेमेंट्स आर करेंटली होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। तो इसीलिए आप यहाँ पे एक्शन के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक का मेथड ऐड करने के लिए बोलेगा, नहीं तो आप लेफ्ट साइड बार में यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है इसी के ऊपर क्लिक करके आ सकते हो। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने के लिए, और यहाँ पे रेड कलर में भी हाईलाइट हो रहा है, टू रिसीव पे आउट प्लीज चूज ए वैलिड पेमेंट मेथड। तो गाइज अभी अपडेट का ये जो बटन है इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ऐड ए पेमेंट मेथड यहाँ पे फिर से लिख रहा है, तो फिर से हमको क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे आपका बैंक का डिटेल्स ऐड कर सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पे बेसिक चीज़ ऐड करना होगा, जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है ना, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे थोड़ा गलती कर देते हैं, यहाँ पे जो बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है इसको अगर नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट नेम ऑन बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट में आपका नाम क्या है वो इसमें आपको एंटर करना होगा। नेक्स्ट बैंक नेम, कौन से बैंक में आपका खाता है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। नेक्स्ट आईएफएससी कोड आपको मिल जाएगा, बैंक पासबुक में मिल जाएगा। और स्विफ्ट बीआईसी, ये एक मेन चीज़ होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए होता है, स्विफ्ट बीआईसी कोड, इसको आप कोशिश करिए कि सही भरने के लिए, अगर आप गलत भर देंगे तो आपका ये पेमेंट नहीं आएगा, पेमेंट और कहीं चला जाएगा, नहीं तो पेमेंट गूगल एडसेंस के पास रुक जाएगा। ठीक है ना गाइज, नेक्स्ट यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, अकाउंट नंबर सही से एंटर करिएगा, री टाइप अकाउंट नंबर, और एक बार आपको अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। ये सारे करने के बाद सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, तो इसी के ऊपर आपको टिक मार्क लगा देना होगा, अगर आप चाहते हो कि हर बार इसी अकाउंट के अंदर आपका पेमेंट मिल जाए तो इसी के ऊपर क्लिक रहने दीजिए। तो वीडियो को पॉज करके मैं अभी मेरे सारे बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे भर देता हूँ। गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, स्विफ्ट बीआईसी कोड जो है आप आराम से ले लीजिए, मतलब आपका कस्टमर केयर को फ़ोन करके, मतलब जो बैंक का कस्टमर केयर होगा उसको फ़ोन करके ले लीजिए, उसके बाद बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करके, हर जगह भी अलग अलग हो सकता है, आपको करेक्ट यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है ना गाइज, ओके गाइज, ये सारे फिल होने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे जो है इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको अगर नहीं भरेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आफ्टर ऑल आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना होगा। ठीक है ना गाइज, जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे तो आपका ये जो पेमेंट मेथड गूगल एडसेंस के अंदर ऐड हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है, वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, आप हमारा जो अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा मम्मी की अकाउंट है, तो यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा हूँ। अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, ये हमारा प्राइमरी में सेट हुआ है। और दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आप यहाँ पे पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करके दूसरा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है गाइज, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा जो अभी मैंने बताया हूँ। ठीक है ना गाइज, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कैसे आप एडसेंस के अंदर एक पेमेंट मेथड ऐड करके आपका जितना रेवेन्यू बना होगा वो आप बैंक अकाउंट के थ्रू से कैसे ले सकते हैं। तो आज का वीडियो में यही था एक इन्फॉर्मेशन, वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगा, जैसे आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट रिलेटेड और कैरियर को और भी बेहतर बना सकते हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।